चिंता और चिंतन शिविर से बाहर आकर कांग्रेस अब नई स्फूर्ति पाने में जुट गई है। हरियाणा में प्रदेश स्तर पर बनी कांग्रेस की नई टीम के बाद पार्टी अब जिलों और ब्लॉक लेवल पर सक्रिय हो गई है। अब जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और कमेटियां बनाने के लिए हाईकमान ने जिला प्रभारी बनाकर भेजे हैं। पानीपत में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक वाजपेयी ने जिला के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय ली। कांग्रेसियों में जोश इसलिए था कि सत्ता का सूखा अब खत्म हो। आम सहमति के बीच में आप ऐसा एक नाम लेके आते हैं जो सब को सहमति से आपने मान लो किसी को भी यहाँ चुना तो उसके साथ सारे लोग मिलकर काम करके उसको तो मजबूत करते ही हैं। उसके साथ साथ अपन उसको सुझाव दे देकर संगठन को भी मजबूत कर उसी काम के लिए मैं आया हूँ। प्रदेश के लेवल पे वो पूरा अपगठन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। उसी संदर्भ में पानीपत जिला में हमारे DRO जो नियुक्त हुए हैं दीपक वाजपेयी जी वो आए थे और उनको पूरे जिलों के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने सभी जो पुराने पदाधिकारी हैं उन्होंने आश्वस्त किया उनको दिया है ऑथराइज कर दिया कि भी आप अपनी तरफ से रिकमेंड करके जो भी नॉमिनेट आप करके भेजेंगे वो हम सब कुछ है मंजूर होगा। गौरतलब है कि एक तरफ कांग्रेस में नई स्फूर्ति और कार्यक्रम है वहीं कुछ बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हरियाणा में CM मनोहर लाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई की सवा घंटे तक चली मीटिंग में कितनी राजनीति और कितनी कूटनीति रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। उनकी राहुल गांधी जी से डायरेक्ट बातचीत है, सोनिया गांधी जी से डायरेक्ट बातचीत है और अभी जब ये संगठन बन रहा था तो उन्होंने खुद कहा था, बड़े हंसमुख करके कहा था कि हम बड़ा ठीक होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कि कांग्रेस छोड़ के जाने की तैयारी में है। दो दिन तक पानीपत के चारों विधानसभाओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले जिला प्रभारी ने टोटल न्यूज से फोन पर बातचीत में खुलासा किया कि पार्टी की मौजूदा अध्यक्षा सोनिया गांधी अब रोजाना कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों की मीटिंग ले रही हैं। अगले 2 से 3 महीनों में कांग्रेस को नए अवतार में आप देखेंगे। दीपक वाजपेयी ने यह भी खुलासा किया कि हरियाणा में महंगाई, अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार ना मिलने से उनकी मनोस्थिति और भ्रष्टाचार के मुद्दों को कांग्रेस अब सड़कों पर ले जाएगी। दावा ये कि 1.5 से 2 महीनों में कांग्रेस का प्रदेश संगठन खड़ा हो जाएगा और फिर पार्टी पूरे जोर से BJP की विफलताओं और धर्म की राजनीति का पर्दाफाश करेगी। चलिए वेट एंड वॉच, आगे क्या होगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।